चीन लगातार अपनी रक्षा ताकत बढ़ाने पर काम कर रहा है। अब चीन ने एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। इस मिसाइल को H-6K बॉम्बर यानी बम वर्षक से लॉन्च किया गया है, यानी ये एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका नाम 2PZD-21 है। चीन ने इस मिसाइल को विमान के विंग पायलॉन से लॉन्च किया, यानी ये मिसाइल जल्द ही चीन की वायुसेना में शामिल हो जाएगी। चीन ने मिसाइल की ताकत या क्षमता का कोई खुलासा नहीं किया है, लेकिन यह माना जा रहा है कि यह KD-21 यानी YJ-21 का ही एडवांस वर्जन है। यह करीब 27 फीट लंबी है और इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। टारगेट पर निशाना लगाते समय इस मिसाइल की गति 4770 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जबकि इसकी अधिकतम स्पीड 7408 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। अगर चीन इस मिसाइल का इस्तेमाल भारत के लिए करता है, हालात गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने की क्षमता और तकनीक फिलहाल देश में नहीं है। ये मिसाइल बहुत हद तक रूस के किंजन मिसाइल की तरह दिखती है। किंजल भी हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका इस्तेमाल रूस ने यूक्रेन पर कई बार किया है। इस मिसाइल का एक वीडियो भी जारी किया गया है। इसमें एक बम वर्षक को बमों और मिसाइलों के साथ उड़ाया जाता है। हाइपरसोनिक मिसाइल अमेरिका, रूस और चीन के पास है। उत्तर कोरिया ने भी हाल ही में यह दावा किया है कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित कर ली है। खास बात यह है कि भारत भी ऐसी मिसाइल को विकसित करने में जुटा हुआ है।